स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सिलिका जेल ट्रांसफार्मर को कैसे प्रोटेक्ट करता है और यह कंजर्वेटर टैंक के ब्रीदर में क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन क्या है। दोस्त आज की वीडियो में हम दोस्त यही जानने वाले हैं, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले बकल सीट देख सकते हैं, दूसरा जो होता है एक्सप्लोजन वेंट होता है, उसके बाद OTI, WTI। OTI का मतलब होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, WTI का मतलब होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। इन सभी में दोस्त जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऑयल एक्सपेंड करता है, तो उस कंडीशन में भी जो पावर इनकमिंग सप्लाई ऑफ कर दिया जाता है। तो दोस्त इन सारी चीज़ों को लगने के बावजूद भी सिलिका जेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं ट्रांसफार्मर का एक मेन टैंक होता है जिसमें अंदर जो है वाइंडिंग को आयल में डुबा कर रखा जाता है, और उसके ऊपर ही एक सिलिंड्रिकल टाइप से आपको टैंक दिखाई देता है जिसे हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। और ठीक उसी के साइड में, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक पाइप से निकला हुआ है जिसे ब्रीदर कहते हैं, और उसी में सिलिका जेल जो है यूज किया गया है। ये सिलिका जेल का काम क्या होता है एक्चुअली में दोस्त, जब कंजर्वेटर टैंक में ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है या उसका वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ता है, उस कंडीशन में जो है आयल एक्सपेंड करता है मेन टैंक में। इस कारण से क्या होता है कि कभी आयल फैलता है तो उस कंडीशन में कंजर्वेटर टैंक में हाफ एरिया तक जो है तेल भरा रहता है और बाकी जो हाफ एरिया होता है वो खाली होता है। जब मेन टैंक से जो है आयल एक्सपेंड करता है तो उस कंडीशन में कंजर्वेटर टैंक का जो आयल का लेवल होता है वो आगे के ऊपर बढ़ता है। उस कंडीशन में एयर जो है आउट होता है, और फिर उसके बाद जब आयल जैसे जैसे ठंडा होता है फिर कंजर्वेटर टैंक में जो आयल होता है वो डाउन होता है। उस कंडीशन में जब आयल डाउन होता है तो एयर क्या होता है कि इस सिलिका जेल के माध्यम से यानी ब्रीदर के माध्यम से इनकमिंग आता है यानी इंटर करता है। तो जैसे ही कंजर्वेटर टैंक में हवा जो है अंदर जाता है तो उस कंडीशन में एयर के साथ में नमी होती है, तो वो नमी अगर कंजर्वेटर टैंक के माध्यम से होते हुए ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में आएगा तो इसमें जो दोनों वाइंडिंग होता है आयल में डुबा करके रखा जाता है, तो उस कंडीशन में दोनों वाइंडिंग के बीच की जो इंसुलेशन होता है आयल का वो कम हो जाएगा। इसलिए दोस्त जो है इसलिए कंजर्वेटर टैंक के पास में जो ब्रीदर होता है उसमें सिलिका जेल डाला जाता है। सिलिका जेल इसलिए डाला जाता है कि वह हवा से यानी एयर से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से एकदम शुष्क जो एयर होता है वह कंजर्वेटर टैंक में जाता है। इसलिए ब्रीदर में सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिका जेल जब यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में जो उसका रंग होता है दोस्त वह ब्लू टाइप का होता है, और जब वह ख़राब हो जाता है यानी नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो 5 महीना 6 महीने या कुछ दिन चलाने के बाद उसका जो क्वालिटी है वह घट जाता है, तो उस कंडीशन में वह गुलाबी हो जाता है। यानी स्टार्टिंग टाइम में सिलिका जेल डालिएगा तो उसका जो रंग होगा वह ब्लू होगा, और फिर उसके बाद जब वो कुछ दिन चलेगा नमी को ऑब्जर्व करेगा तो वह पिंक हो जाएगा यानी गुलाबी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो सिलिका जेल है उसकी क्वालिटी ख़त्म हो गई है, यानी उसका एयर से नमी ऑब्जर्व करने की जो शक्ति है वह ख़त्म है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इन बकल सिले हो गया OTI WTI में किसी पर भी आप वीडियो हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।